नमस्कार फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब फाइनली चेन्नई सुपर किंग ने फिर से इतिहास रच दिया आईपीएल 2021 का चैंपियन बन गया और आप लोग को बताएंगे कि इनको कितना धनराशि मिला जी हाँ चैंपियन बनने का पूरी डिटेल आज आप लोग को देने वाले हैं तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल पे नए हो फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर करना जी हाँ काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस पर रहा फैब डुप्लेसिस का जिन्होंने चौरासी रन बनाए एटी रन बनाने बनाए साथ में ऋतुराज गायकवाड़ का भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा इन्होंने बहुत ही अच्छा पारी बत्तीस रन की पारी खेली साथ में रॉबिन ओथप्पा भी एक रन की पारी खेल के

रायडू रविंद्र जटेजा ड्वेन ब्रैबो सरदुर ठाकुर और साथ में अगर बात किया तो जोश हेजलवुड दीपक चहर और महेंद्र सिंह धोनी ये सब प्लेइंग इलेवन में शामिल थे इस प्लेइंग इलेवन के साथ महेंद्र सिंह धोनी की टीम आईपीएल फाइनल में उतरी और आईपीएल फाइनल में जैसे ही उतरी तो बहुत ही जबरदस्त तगड़ा जी टॉस तो पहले हार चुकी थी चेन्नई सुपर किंग कोलकाता नाइट राइडर ने टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला लिया था गेंदबाजी का फैसला लिया था तो सबको कहीं ना कहीं लगा था कि ये जो मैच है वो कोलकाता नाइट राइडर के भी पक्ष में जा सकता है एक रन का जी हाँ एक सौ रन उन्होंने बनाया और एक रन का लक्ष्य खड़ा किया एक रन का टारगेट दिया कोलकाता नाइट राइडर को और बल्लेबाजी ओवर तो बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन रहा बहुत ही अच्छा खेली दस ओवर तक जी हाँ एक भी विकेट नहीं गिरा था रन भी अस्सी के आसपास से रन भी तो रन भी कोई ज्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं था क्योंकि कोलकाता नाइट लक्ष्य तो वैसे दुबई स्टेडियम में यह मैच हुआ था दुबई स्टेडियम में सौ तिरानवे रन का लक्ष्य बहुत ही बड़ा था लेकिन जिस प्रकार से कोलकाता नाइट राइडर का शुरुआत था ऐसा लग रहा था कि उनके लिए लक्ष्य बड़ा नहीं क्योंकि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा बल्लेबाजी कर रहे थे वेंकटेश और शुभमन गिल दोनों ने अपने टीम के लिए और जड़े लेकिन वहीं जी हाँ वहीं महेंद्र सिंह धोनी टाइम आउट जैसे हुआ टाइम आउट के बाद इनका दिमाग इन्होंने जी बहुत ही पूरी तरह से इस्तेमाल किया इन्होंने पूरे फील्ड में बदलाव किया इन्होंने गेंदबाजी में बदलाव किया और तुरंत विकेट मिल गए जी हाँ पहले तो वेंकटेश अयर का विकेट मिला शुभमन गिल का विकेट मिला फिर नारायण आए नारायणा का विकेट मिला इस प्रकार से विकेट घिरते गए और चेन्नई सुपर किंग ने मैच को अपने नाम कर लिया जी हाँ मैच को पलट ही दिया पूरी तरह से बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा साथ में अगर बात की तो ऋतुराज गायकवाड़ जो इनको ऑरेंज कैप मिला सीरीज़ में सबसे ज़्यादा रन बनाने के लिए जी हाँ आईपीएल 2021 में सबसे ज़्यादा रन अधरन... बनाने के लिए इनको ऑरेंज कैप दिया गया साथ में फैब डुप्लेसिस ने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया जी हाँ और अगर तीन रन फैब डुप्लेसिस बनाते तीन से चार रन और चार रन और फैब डुप्लेसिस बनाते तो ऑरेंज कैप इनके नाम हो जाता लेकिन फैब डुप्लेसिस ने भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया बहुत ही तगड़ा खेल दिया दिखाया जी हाँ सिक्सेस की बात की जाए तो टोटल आई में सिक्सेस ऋतुराज गायकवाड़ में भी ट्वेंटी थ्री सिक्सेस लगाए तेईस सिक्सेस लगाए और फैब डुप्लेसिस ने भी तेईस सिक्सेस लगाए चेन्नई किंग की तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त ये मुकाबला रहा साथ में चेन्नई सुपर किंग चौथी बार आईपीएल में चैंपियन बनी और ये चैंपियन का खिताब हमेशा याद रहेगा क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ का ये पहला आईपीएल था जी चेन्नई सुपर किंग की तरफ से इन्होंने अपना आईपीएल स्टार्ट किया और बहुत ही तगड़ा खेल दिखाया बहुत ही जबरदस्त खेल दिखाया जी अगर बात की जाए तो चेन्नई सुपर किंग को मैच जीतने का जी हाँ आईपीएल फाइनल जीतने का 20 करोड़ रुपए दिया गया जी हाँ चेन्नई सुपर किंग को 20 करोड़ रुपए दिया गया इनाम के तौर में साथ में जी हाँ ऋतुराज गायकवाड़ को पैसे मिले इनाम मिले साथ में फाइव डुप्लेसिस को भी मिले लेकिन अगर चेन्नई सुपर किंग के बारे में बात किया तो चेन्नई सुपर किंग

चार चांद लगा दिया चेन्नई सुपर किंग ने और ये जो खिताब है आईपीएल का जो ट्रॉफी है फाइनल ट्रॉफी अपने नाम कर लिया यूएई में फिर से सेकंड से शेड्यूल स्टार्ट हुआ था फर्स्ट शेड्यूल जो था वो कोरोना के कारण रुक गया था ये दूसरा स्टार्ट हुआ था दूसरा शेड्यूल और दूसरा शेड्यूल में जी हाँ चेन्नी सुपर किंग ने चार चार लगा दिया वैसे पहले शेड्यूल में भी नंबर वन पे थे पॉइंट्स टेबल में और बात किया तो हाफ़ में भी सेकंड हाफ़ में भी इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस किया वैसे जोर कमेंट करके बताएं कि आपको कौन से प्लेयर का खेल अच्छा लगा और आई में सबसे बेहतरीन कैप्टन आप लोग को कौन लगता है इन नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया मैं फिर में हूँ आप लोगों दूसरी वीडियो को लेकर के तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें जय हिंद जय भारत